अभी हमारी जो गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली है वो है हाजरा खान, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम की। 3-time गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एंड टेडेक्स स्पीकर। शी इज ऑल्सो एन एम्बेसडर फॉर गोल 5 एंड ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एंड द यूनिसेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन चैंपियन फॉर पाकिस्तान। तो इस पे इन्होंने काफी काम किया है अपना प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे। देयर बीन डिफरेंट कैंपेन्स दैट शी इज बीन पार्ट ऑफ, इंक्लूडिंग वॉश नो छुट्टी एंड मोर। सो ओके, सो यू आर देयर। ओके, अच्छा हाजा, आपकी वीडियो नहीं आ रही लेकिन हम आपके साथ ऑडियो पे ही बात करेंगे। सो No आई worries. It's okay if you guys can't see me. We just have to get the message out, and hopefully, दैट्स we'll be successful. एग्जैक्टली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा जंपिंग राइट इनटू इट हाजरा, ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारी डिस्कशन में, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट डेफिनेटली फ्रॉम यू नो फ्रॉम द वर्क वी हैव सीन के पहले किस तरह से होता था और अब किस तरह से है, बट देयर इज रियली स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। व्हाट आपको क्या लगता है कि इस टाइम में खासतौर से हाउ कैन वी ब्रेक दीज बैरियर्स? द नेक्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली कैन डू अ लॉट बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए, एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, I या feel like I mean, जैसे मैं एक एथलीट हूँ और आई बीन प्लेइंग फुटबॉल. तो वो लोग देयर्स अ लॉट ऑफ पीपल व्हिच इज अ टैबू, व्हिच इज अ मिथ दैट यू शुडन बी एथलेटिक. एक तो ये बिल्कुल बात होती है कि बच्चियों को बोल देते हैं कि बाहर नहीं जाना, उछल कूद बंद कर देनी है बिल्कुल, लड़कों के साथ नहीं खेलना, लड़कियों के साथ नहीं खेलना, बस एक जगह बैठ जाओ. एंड यू नो ये कुछ चीजें जो रुकावटें आती हैं इन लड़कियों की लाइफ में, इन द डेली लाइफ. आई फील लाइक बींग एन एथलीट एंड बींग एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु कैन बी अ वुमन हु इज मेंस्ट्रुएटिंग एंड ऑल्सो बी प्लेइंग फुटबॉल, जो कि 90 मिनट्स हमें फील्ड पे भागना होता है. सो यू नो विद विद माई वर्क विद यूनिसेफ एज वेल, आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड इवन एनी अदर दीज सेशंस एंड इंटरव्यूज दैट आई डू, आई मेक श्योर टू मेंशन दैट UNICEF is playing its part in the menstrual hygiene management of underserved communities across Pakistan. जो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी हैं, तो वो यू नो दे डोंट हैव क्लीन हाइजेनिक प्लेसेस फॉर गर्ल्स टू यू नो हैव अ सेफ पीरियड. उनको स्कूल्स वगैरह से निकाल देते हैं बेसिकली. सो आई हैव बिन यूजिंग माई प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, इंक्लूडिंग MHM ऑन अ बिगर लेवल. डेफिनेटली दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा तो मुझे ये पता चला है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आपने मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम करना शुरू किया है, विच इज ग्रेट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट वेरी टॉक्ड अबाउट पहले और अब काफी लोगों की अटेंशन में आने लगा है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। सो विद द चैलेंजेस ऑफ द पैंडेमिक, पूरी दुनिया बंद हुई हुई है, बहुत लोगों की जाहिर सी बात है इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है। उसके साथ अगर आप PMS सिम्टम्स भी डाल दें जिसमें काफी मेंटल इम्बैलेंस और मूड इम्बैलेंस इनफैक्ट होता है, इसके बारे में आप कोई टिप्स अगर शेयर कर सकें कि इसको किस तरह से हम एड्रेस कर सकेंगे, किसी को अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं जिनके यू नो दे आर स्ट्रगलिंग Of देमसेल्व्स। course, sure. That's a great question, and it is a very important question. हम लोग इस तरह पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है कि हम acknowledge कर सकें कि mental illness कोई चीज है at this point. Mental health, the PMS, we need to acknowledge first कि अच्छा, we are going through a pandemic. हम एक क्वारंटीन में है, हम मसला है, एक बीमारी फैली हुई है जिसको हम देख भी नहीं सकते. पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, लोग स्कूल जाना बंद हुए, कॉलेजेस जाना बंद हो गए हैं. Young girls who were menstruating at home and who could go out to help themselves, वो नहीं जा सकती because lockdowns वगैरह हैं. तो इस पे ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक एक लड़का लड़की बंदा बंदी की मेंटल हेल्थ को. एंड आई फील लाइक हमें इसको समझना है और हमें इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि आई मीन इट इज द नेक्स्ट बिग पेंडेमिक, इफ यू टॉक अबाउट इट, बिकॉज दुनिया भी बदल रही है, दुनिया का निजाम बदल रहा है. यू कैन से द नंबर ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट आर जस्ट कमिंग आउट मोर एंड मोर, बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट.
Pakistan mein, there's only 141 psychiatrists for a population of Pakistan, and you know, and that too is not affordable. So at this point, and then you know, on top of that, with young girls who are staying at home, you know, फिर वो PMS आ जाता है during their time period, and nobody in the house knows how to handle it. Like for those who don't know, for men who don't know what a PMS is, or like for girls who don't understand it, आपकी मूड स्विंग्स होते हैं, यू नो, योर देयर्स हार्मोनल चेंजेस, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, एंड आपकी भूख एपेटाइट चेंज हो रही होती है, आपकी एक्टिविटीज चेंज हो रही होती है बेसिकली, एंड यू जस्ट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर मेंटल स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट. जैसे तो कहते हैं रोलर कोस्टर भी कुछ लोगों को जैसे महसूस होता है उस दौरान. बिल्कुल, इट्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा, एंड स्पेशली विद द पेंडेमिक. पेंडेमिक के अपने इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी विद there's a lot of unemployment, there's a lot of health concerns, physical health concerns. तो लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि how they're going to live their daily lives anymore. तो उनके stress and anxiety levels बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं. And with the PMS, it just makes things worse because एक बंदे को समझ नहीं आ रही कि यार मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, फिर वो गुस्सा करता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही. So there's like पूरा माहौल आपके घर का खराब हो जाता है, acknowledge नहीं कर रहे इस बात को. And so I feel like the link between PMS and mental symptoms is usually for girls and women who are locked inside, who are not understood. So इसलिए I feel like हम ये चैट भी इसीलिए कर रहे हैं, because we want people to know कि you know बाकी चीजें तो है, एक्सेसिबिलिटी की भी बात है, और इट्स अ नेचुरल नॉर्म इसकी बात है, लेकिन जो बात समझने वाली है, जो कि आसान बना सकती है हमारे लिए, हमें उसकी बात करनी है. एंड आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. हाजरा, तो आपने नो छुट्टी कैंपेन पे काम किया हुआ है, और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसकी मैनेजमेंट है वो अभी भी स्टिग्मेटाइज होती है, एक सोशल टैबू है जो हम बात कर रहे हैं अभी तक के. एक बहुत ही नेचुरल और हेल्थी चीज है, लेकिन इसको अभी तक एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग हिचकिचाते हैं, नहीं बात करनी. दे वंडर कि क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसको हम किस तरह से हम एड्रेस करते हैं, इसे करेंगे, ये जो सोशल टैबू जो हमारा है. I feel like already it was very very tough to talk about menstruation and MHM, and you know एक ऐसे टैबू सब्जेक्ट की इन अ कंजर्वेटिव कंट्री लाइक पाकिस्तान बहुत मुश्किल था बात करना. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर विद द होल पेंडेमिक ऑफ द कोविड वी आर ऑलरेडी, फिर हम लोग जो थोड़ी बहुत भी बात हो रही थी अब वो भी रुक गई थी. मुझे ऐसा फील हुआ. Because the importance was given to COVID, which it deserves. Obviously, it's a global pandemic, it's a health concern. But I still feel like we should keep having these sessions. हम इसको और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जिनके पास बेशक स्मार्टफोन हो, जो लॉकडाउन में हो स्मार्टफोन हो. इट कैन रीच दोज गर्ल्स हु आर यू नो इन लॉकडाउन, बट कैन फील कॉन्फिडेंट सिटिंग एट होम. You know, we can talk about those women जिनको स्मार्टफोन दिया हुआ है, जो बहन भाई हैं, जो भाई हैं इन बहनों के, या you know, they can make their the process easier for their sisters और उनकी वालदा के लिए जिनको अगर हैं. And I feel like अगर हम लोग स्टिग्मा की बात करें, तो if we don't get help from the other counterpart, which is the men of our society, we will not be able to talk about it at all. This is you say, definitely. I mean, yeah, if it's an issue like COVID, if it's an issue, if it's a racist issue, if it's some other health related issue, one part of the society cannot fight for it. You know what I mean? तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर इसका स्टिग्मा हमें खत्म करना है, अगर you know we want our girls and women to be healthy in the future, अगर हमें मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करनी है, हमें प्रेगनेंसीज कंट्रोल करनी है, हमें हेल्दी प्रेगनेंसीज चाहिए, तो वी हैव टू मेक श्योर द बॉयज एंड द मेन इन आवर फैमिलीज एंड अराउंड अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टॉपिक. अब मेरा कहने का ये मतलब है, हमें सेंसिटाइज करना है अपनी आवाम को, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो. सो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, यू नो, वी नीड टू रीच आउट एज मेनी पीपल एंड गर्ल्स एंड बॉयज एज पॉसिबल. डेफिनेटली अग्री.
ये जो आपने बात की थी अभी कि हमें स्टिग्मा हटाने के लिए मर्दों को और इन्वॉल्व करना है, एक बहुत अच्छा सा वाकया एनेक्डोट, एंड आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसमें आप भी शायद इन्वॉल्व थी। यूनिसेफ ने रिलीजियस लीडर्स को एंगेज किया था, एक पूरा एक सेमिनार सा हुआ था, देयर वर वर्कशॉप्स, इसमें यूथ भी थी, चैंपियंस भी थे, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, एक सिंपोजियम था, और उसमें एक डेक्लेरेशन साइन हुआ था फ्रॉम अ लॉट ऑफ दीज रिलीजियस लीडर्स, जिन्होंने कहा कि हम इस किस्म की अवेयरनेस, ये 2017 की बात है, कि ये इस किस्म की हम अवेयरनेस अपने जुमे के खुतबों में करेंगे, विच आई थिंक इज फॉर प्लेस लाइक पाकिस्तान इट्स सच अ रिफ्रेशिंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग टू हियर, कि हमारे रिलीजियस लीडर्स इस चीज पे भी ऑन बोर्ड हुए हैं। वर यू पार्ट ऑफ दैट? Yeah, I was around and like, I was part of the whole campaign as well. But my only concern when we talk about these sensitive things with other sensitive topics like religion and country and where we're coming from, मुझे अभी तक लगता है कि फॉलो होना नहीं शुरू हुआ. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I'm going to get a bit sensitive with my words. In a country like Pakistan, it's a bit difficult because we have our own sects of the religion as well, the main religion that we follow, basically. So usme I feel like it was a great move, zabardast move thi, where we have different parts of the society jo ke matter karti hain, to take on the word jo matlab, I mean, it's an Islamic state aur hamari अगर मस्जिदों में खुतबे स्टार्ट हो जाएं एंड इफ वी लिटरली आर फॉलोइंग एंड हम अपनी औरतों को और बच्चियों को इज्जत देना शुरू कर दें इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ और कुछ भी नहीं. ये हाइजीन मैनेजमेंट इज फॉर अ बेटर हेल्थ फॉर द बेटर मेंट ऑफ देयर फ्यूचर एंड देयर प्रेगनेंसी और उनकी अपने बच्चे उनकी अपनी फैमिलीज बेशक. I mean, we're talking generations here. Coming towards the end of our conversation on menstrual hygiene management or periods in pandemics, is there anything else, Haja, aap apne kisi personal experience kuch hame batana chahengi, ya koi from an athletic ya sports point of view ke, because there are a lot of young people jo abhi dekh rahe hain, dono ladkiyan ladke, kis type ka aap message dena chahengi ya apni koi story aap share karna chahengi hamare saath? Sure. For me, when I was growing up, I was a very shy, matlab introverted si thi main aur baat chaat kisi se karni bhi nahi thi because I used to run track to main akele bhag rahi hoti thi. And when it was time for me to cross that age of adolescence, when I was going to get my like period, and I didn't speak with my mom about it because I was shy. And in return, my mother was shy too. And I have a 10-year-old brother now. We're five sisters and a brother, and my 10-year-old brother knows about it, right? So what I'm trying to share is that it has to start at a young age. Jab tak usko hum abhi se nahi sensitize karenge, he's not going to be considerate, he's not going to be caring. Wo bada hoga, wo bolega kya hua sa, in like layman terms, if I use my words. Yeah, my only message is that we have, men and women, we have to build this together if we want to cut down on death rate for young girls and our adolescent girls who could be educated and become women of example. Agar hum chahte hain ki aisa ho ki hamare country ke counterparts dono saath saath chale, to we have to support women and girls in these and basically with their menstruation hygiene. But yeah, otherwise my message would be, if you're playing sports, it's okay. You can play sports. I play football. I run for 90 minutes on my period. I'm okay. I come out alive. You can work out. It is actually good for your health. Just keep at it. Keep supporting your sisters. And yeah. हाँ, I think एक बड़ी आपकी बात में से जो मैंने निकाला है कि जो माँ बाप हैं उनका उनके लिए भी बहुत लाजमी है कि ये जो तरबियत जो करते हैं अपने बच्चों की, सिर्फ लड़कियों को बताना नहीं लेकिन अपने बेटों को भी बताना समझाना कि ये एक बहुत हेल्थी बहुत नेचुरल एक चीज होती है, आपकी बहनों के साथ होगी और इसको किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है और उसको इतना बड़ा हवा बना के नहीं रखना कि बहुत ही कोई ढकी छुपी इस तरह से बात हो,
नेचुरल है, नॉर्मल है, जैसे हमारी बाकी बॉडीली फंक्शंस होते हैं वैसे ये भी एक चीज है. तो सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया. इंशाल्लाह आई थिंक हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से आपको लेकर आए जहाँ आपका वीडियो भी आ रहा हो, क्योंकि बहुत लोग आपको देख नहीं पाए थे. सो थैंक यू Thanks हाजरा, for having me, sir. Thanks for having थैंक me. यू It was a फॉर pleasure.